बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आया नू ते वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा दे नाल हसदे रहो वसदे रहो खांदे रहो ते जीवंदे रहो जी गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर शो मैं हूं आपकी होस्ट साहिबा और मैं हूं जान रैम्बो सुबह बखैर जिंदगी जी आज ये जो आप टाइगर प्रिंट देख रही हैं ये खुशबू फिल्म स्टार खुशबू हैं उनकी बुटीक से डिज़ाइन किया हुआ है और इनका देख रहे हैं ये तो ग्रेविटी ग्रेविटी जी जब तक अर्थ ऑफ ग्रेविटी होंगी है ना ग्रेविटी है वो ग्रेविटी है जी तो तुम चाहिए उन कपड़े तो तुम हुसैन चौक जा सकते हो और डिफेंस भी जा सकते हो जी अच्छा जी, तो आज हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं स्क्रीन पे भी चलते हैं लेकिन आज कुछ स्पेशल मैसेज ऐसे हैं जो हम खुद आप पढ़ेंगे और बताएंगे उनके बातें करेंगे उनके बारे में जी इधर आके ज़रा पढ़ें जी पहला मैसेज है अब्दुल्ला जान लाहौर से वो कह रहे हैं कि आप नरगिस को क्यों नहीं बुलाते तो जी अब्दुल्ला साहब बात ये है कि नरगिस इस वक्त कनाडा में हैं हाँ जी वो जब भी लाहौर आएंगी तो सबसे पहले हमारे ही शो में आएंगी हाँ जी आप बेफिक्र हो जाए वरना मैं जाती तौर पर उन्होंने टिकट भेज के बुलवा लेंदा लेकिन वो ले आ नहीं रही उन्होंने आना ही नहीं वो कह रहे हैं जी गर्मियाँ ख़त्म होनी है तो मैं आवाँगी कि मैं मेरी एलर्जी हो जाती है स्किन पे नाजुक हो गई है ना स्टार हो गई है हूँ तो वह अले जी उत्थे बिजी अपने बुटीक चला रही है उदे उत्थे पार्लर चला रही है बच्चे भी उदे उत्थे हुण माशाल्लाह पढ़ रहे ने मियाँ साहब भी उन्होंने शाहजी भी उत्थे ही ने ते जदों टाइम मिलेगा कहिंदी है जी गर्मियों तो बाद ही हुण आवांगी फोन ते साडी गल हुंदी रहिंदी है जी जदों आएगी और इंशाल्लाह असी उन्होंने जरूर कुछ ये भी है ना गर्मी है और वो लोड शेडिंग की वजह से भी नहीं आ रही ये भी हो सकता है नहीं नहीं वो तो कोई मसला नहीं होना अच्छा जी अब दूसरा मैसेज है आयशा हमायों का हवेलियाँ एपटाबाद से वो मेरे ससुराल से मैसेज आ रहा है जी इधर आया जी इधर एपटाबाद जी उन्होंने कहा है कि आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखा करें ये गिला किया उन्होंने मैं उन्हें सुखा कर देना हेलो ये की मतलब हर वेले मुस्कुराहट रखा करा हाँ, मतलब तो मैं तो मुस्कुराता ही रहता हूँ गिला किया है बस और नहीं अच्छा हाँ मशवरा दिया सामने वाला सवाल कोई ऐसा कर रहा है या जवाब को संजीदा दे रहा है तो उसे चंगा नहीं लगता उसे मैं इंज करके बैठा वहाँ तो हालात के नाल नाल ही होंगे वैसे तो मैं कोशिश करना कि मैं हंसता ही रहा हंसते रहो वसते रहो खाते रहो तो जीते रहो जी अच्छा जी अब तीसरा मैसेज है हमारे पास कि सरदार कमाल वाला शो बहुत पसंद किया गया है इरम फहद हैं कराची से अच्छा जी सरदार कमार दा शो ओ हाँ बड़ा मजेदार उसमें वो स्पेशली गुफ्तगू बड़ी एंजॉय की जो थोड़ी बहुत लड़ाई शड़ाई हो रही लड़ाई आपस से जो हो रही थी जी अच्छा मेरे को भी मैसेज ने मैं क्यों नहीं पढ़ रहे मैं तो जवाब दे ही जा रहे पढ़ें आप मैसेज अब्दुल कुदूस और आयशा ने जी मुल्तान तो कह रहे ने जी कि साइमा को बुलाएं हम आपका शो बड़े शौक से देखते हैं बड़ा मजा आता है और लाइव कॉल भी लें लो लाइव कॉल तो नहीं लै रहे जी असी फिलहाल और असी तुहाडे लाइव खत लै रहे हैं और तुहानूं मैं पता लिखवा देना अपना MRS APNA अपना MRS 68B1 Gulbarg 3 लाहौर यह साडा पता है जी तुसी खत लिख के भेजो असी जिवें मैसेज अज शामिल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत सी जी कि मैसेज नहीं तुसी शामिल कर दे और असी लिख लिख के थक जाने हैं क्योंकि सारे जिहड़े मैसेज ने वो असी पट्टी तो कभी चल सकते हैं कभी नहीं चल सकते और टैक्निकल जो साडा क्रू है वो बिजी होंदा है कभी पूरे मैसेज नहीं वो कर सकते तो इसलिए असी क्या जी थोड़े जे पढ़ लईए तुहाडे खत शामिल करांगे और बकायदा वीक च एक दिन रखा करांगे क्योंकि हुण तुसी बहुत दिलचस्पी रह रहे हो बड़े शौक नाल साडा शो देख रहे हो और बड़ा पसंद कर रहे हो तो असी चाहने कि तुसी इनवॉल्व होवो साडे नाल और एक नवा सैगमेंट इंशाल्लाह अनकरीब तुसी देखोगे उहदे च असी होर वधोटरी कर रहे हैं वधाना की कहिंदे ने पंजाबी ज़्यादा वधा रहे हैं प्रोग्राम नूं चेंज एक ला रहे हैं वो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह पसंद आएगा और साइमा मैडम नाल जी गल हो रही है इंशाल्लाह वो भी आणगे जरा फुरसत हो जाए उन्होंने जी अगे एक मुस्तफा फरीद साहब ने जी इन्होंने जगह नहीं लिखी और इन्होंने कहा जी मुस्तफा इलाही साहब ने न्यूमरोलॉजिस्ट यही होंगे ना न्यूमरोलॉजिस्ट ने जी उन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाओ क्योंकि तुहाडे प्रोग्राम में इस सैगमेंट की बड़ी कमी महसूस होती है क्योंकि हर जो मॉर्निंग शो है उन्होंने सैगमेंट जरूर होंगे तो असी इसीलिए नहीं रखे जी कि उत्थे जरूर होंगे सारे पास जिन्हों अगर इस चीज़ की जरूरत है कि कोई होर चैनल देख लें वरना तो सारे ही अगर उधर भी बैठे होंगे उधर भी तो असी इस करके नहीं पता है क्या ये उनका प्यार है वो चाहते हैं कि अगर उन्हें जरूरत है वो किसी और चैनल को नहीं देखना चाहते हैं कोई मॉर्निंग शो नहीं देखना चाहते लेकिन उस वजह से उन्होंने कहा कि अपने प्रोग्राम में रूटीन हो जाएगी असी कोशिश करेंगे फिलहाल साढ़े को गुंजाइश नहीं असी हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो सेलिब्रिटी गेस्ट का है और सैगमेंट्स का है असी ज़्यादा टाइम जी अपने शो च अपने मेहमान देने हैं
ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜਸ ਥੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਕੇ ਤੋ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਮਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਮਨੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਸੇ ਉਸਮੇ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਸ਼ੋ ਤੇ ਉਹ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਡਰੈਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੇ ਲੈ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਕੀ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਲਓ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਆਪ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਫੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਤੋ ਅਬ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ ਗੈਸਟ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲੈਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਗੈਸਟ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਬਾਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਤੇ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਰਾਗ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਵੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਬਹ ਬਖੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਦ ਰੈਂਬੋ ਐਂਡ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਰੌਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਪਾਜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा और अब टाइम हुआ है हमारे गेस्ट का जी आप जरा इंट्रोड्यूस कराएं हमारे गेस्ट जी जी अपना मौसीकी दे बहुत बड़े घराने तो उन्होंने ताल्लुक है जी और बड़ी छोटी जी उम्र उस्ताद का खिताब भी उन्होंने ले लिया और उस्ताद कहलवाने ने जी उन्होंने कहा जाता उस्ताद असं यह भी गल करेंगे जी इन्नी छोटी उम्र उस्ताद का खिताब मिले और क्लासीकल मौसीकी से बड़ी महारत रखते हैं और बाकी म्यूजिक भी गाते हैं लेकिन क्लासीकल जोड़ा वो उन्होंने बेस है ਸ਼ਾਮ 84 ਕੇ ਘਰਾਨੇ ਸੇ ਕਾਫੀ ਗੈਸਟ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ਾਮ 84 ਘਰਾਨੇ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਫॉर ਮੀ ਕਿ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾਂਗਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਮਾਈਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੂਰਸ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਵਿਕਦੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਟੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਯੂਰਪ